जालौर में शिक्षक के पिटाई से हुई छात्र की मौत के मामले को लेकर सवाईमाधोपुर में भीम आर्मी एवं किसान सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों से कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया और कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिससे काफी देर तक मेगा हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। मांग मानवता की, इंसानियत की है। इंद्र कुमार मेघवाल, जिसकी बेरहमी से एक शिक्षक ने हत्या की, उसके लिए विशेष अधिवक्ता राजस्थान सरकार नियुक्त करे और नियुक्त के साथ साथ उसको 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और विशेष कोर्ट का दंड करे, हमारी बाजू मांगे। उधर जालौर मामले में मलाना डूंगर कस्बे में शिक्षक व छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। दलित संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने घटना के विरोध में मलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राजस्थान की दलितों के साथ न्याय में भेदभाव का आरोप लगाया एवं तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। हमारी सरकार से ये मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसलिए आज पूरे राजस्थान के अंदर दलित वर्ग में आक्रोश है इस बात के लिए, और मैं तो राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ कि आज भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज हमारे दलित वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है। वहीं बूंदी में एससी एसटी समुदाय के विभिन्न संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।